सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं नॉइस के VS303 TWS ईयरबड्स का, और इनका जो प्राइस है वो है 1799 रुपीज, बट मैंने इन्हें सेल में 1500 रुपए का परचेस किया था। तो अगर आप भी इन्हें 1500 रुपए के अंदर परचेस करना चाहते हैं तो आप भी किसी सेल का वेट कर सकते हैं, वरना ये आपको 1800 रुपए के अंदर तो मिल ही जाएगा। और इस वीडियो में हम इन ईयरबड्स के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी कम्फर्ट क्वालिटी एटसेट्रा। तो अगर आप भी इन ईयरबड्स को परचेस करने का सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, ताकि आप ये जान सके कि ये ईयरबड्स आपके लिए अच्छे रहेंगे भी या नहीं। बाकी अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं तो आपको इनका बाइंग लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इन्हें डायरेक्टली जाकर वहां से परचेस कर सकते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। और अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर आप मैसेज कर अपनी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर लगाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा इसका बॉक्स, जो ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इसके बॉक्स की जो क्वालिटी है वो दिखने में काफी अच्छी और डिसेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके बॉक्स के सामने की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग और पीछे की तरफ कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, बाकी नीचे इसके कुछ बार कोड वगैरह दे रखा है। तो चलिए अब इसी के साथ इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है। इसके साथ हमें कुछ ये स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाता है, जिन्हें पढ़कर आप अपने बोर्ड्स के पेपर नहीं दे सकते हैं और कोशिश भी मत कीजिएगा। वैसे इसमें आपको नॉर्मली इसका वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअली देखने को मिलता है, और इसके साथ ही आपको इसमें नॉइस के कुछ स्टिकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके काम आए या ना आए, बट इससे नॉइस की ब्रांडिंग बहुत अच्छी होने वाली है। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, जो कि ऐसे एक फोम के केस के अंदर आता है। तो चलिए अब इसको भी बाहर निकाल कर देख ही लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको एक काफी अच्छे ग्लॉसी फिनिश के साथ ऊपर की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इसके डिजाइन की, तो इसमें आपको एक पूरा सर्कल शेप मिलता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और अब अगर बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो ये पूरा प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है। बाकी इसकी प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी और मजबूत है। और इसमें आपको एक काफी अच्छा फीचर देखने को मिलता है, जिसमें कि जैसे ही आप इसके कैप को ओपन करेंगे वैसे ही रेडी टू पेयर के मोड में आ जाएगा। मतलब इसके कैप को ओपन करते ही ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीचर काफी अच्छा है। बाकी अगर आप देख सकते हैं तो इसके केस के अंदर आपको मैग्नेटिक ग्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि इसे काफी अच्छे से होल्ड करती है, ताकि अगर कहीं गलती से इसका कैप खुल भी जाए तो ये आसानी से बाहर ना आए। तो चलिए अब एक बार इसके बड्स का भी ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें भी आपको सिलिकॉन ईयर टिप्स के साथ प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है, और इसमें नीचे की तरफ आपको मैग्नेट्स और इसके पीछे की तरफ एक LED लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि इसके कनेक्टिविटी स्टेटस को शो करती है। साथ ही आपको इसमें कुछ टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसके ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं, इसे प्ले या पॉज कर सकते हैं, इसकी वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं, और साथ ही इसमें सीरी या फिर गूगल असिस्टेंट भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर बात करें इसकी फिटिंग और कम्फर्ट की, तो इसकी फिटिंग और कम्फर्ट में भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला, आप आसानी से इसे काफी देर तक पहन कर रख सकते हैं। और अब अगर बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, तो इसमें आपको मिलता है 24 आवर्स का बैटरी बैकअप, जिसे मैं तो अभी तक पूरा खत्म कर नहीं पाया हूँ। बाकी इतने लंबे बैटरी बैकअप की जरूरत तो आपको तभी पड़ती है जब आप कहीं बाहर ट्रिप वगैरह पर जा रहे हो, या फिर कभी आपके घर की लाइट खराब हो जाए। बाकी नॉर्मल म्यूजिक सुनने के लिए तो ये बैटरी बैकअप काफी अच्छा है। तो हमने इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली, इसकी फिटिंग की बात कर ली, इसकी कम्फर्ट की बात कर ली, इसकी बैटरी बैकअप की बात कर ली। अब भी कुछ रह गया क्या? अभी तो इसकी सबसे मेन चीज रह गई है, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी। बट उससे पहले जो हमें इसके साथ एक बॉक्स मिला था उसे भी ओपन कर देख लेते हैं। तो ये है कुछ इसका ब्लैक कलर का डब्बा। तो आइए देखते हैं क्या निकलता है इसके अंदर से। तो इसके अंदर हमें मिली है एक USB 2 Type-C चार्जिंग केबल, जो कि इसे चार्ज करने के लिए काम आएगी। वैसे अगर आपके फोन में भी टाइप सी चार्जिंग है तो आप इसे उसके चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, और इस केबल को आप बचा सकते हैं आगे के लिए। इसी के साथ इसके अंदर निकली है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप, जिन्हें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके मेन फैक्टर के बारे में, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। इसका जो साउंड है वो बेस हैवी है, जिसे मोस्टली इंडियन कस्टमर्स पसंद करते हैं। बाकी इसकी मिड्स और ट्रेबल्स की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, बट वो कहीं कहीं इसके बेस की वजह से दब जाते हैं। बाकी इसका जो साउंड है वो काफी सूदिंग है, जो कि आपके कानों में बिल्कुल चुभता नहीं है, जैसे कई कई ईयरबड्स में काफी शार्प बेस होता है जो कि आपके कानों में काफी चुभता है, बट इसके साथ ऐसा नहीं है। तो अब अगर बात करें इसके माइक की क्वालिटी की, तो इसके माइक की क्वालिटी भी लिटरली काफी अच्छी है। इसे आप कॉलिंग्स और ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह के लिए आसानी से यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपको कोई भी IP रेटिंग नहीं मिलती है, तो इसे पानी से थोड़ा बचाकर रखें। तो अब अगर ओवरऑल बात करें कि इन ईयरबड्स को आपको परचेस करना है या नहीं, तो देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह में तो कोई कमी है नहीं, और साथ ही इसकी बैटरी लाइफ भी ठीक ठाक है। अब बचा क्या इसकी साउंड क्वालिटी, तो उसमें अगर आप एक बेस लवर हैं और आपको बेस वाला साउंड सुनना ज्यादा पसंद है तो आप इन्हें डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट अगर आप वोकल्स वगैरह एकदम क्लियर सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये प्रेफर नहीं करूंगा। तो ये था रिव्यू नॉइस बड्स VS303 का। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।